हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के न्यू एपिसोड के बारे में। WWE ने पहले से इस एपिसोड के लिए एक मैच और एक सेगमेंट कंफर्म किया हुआ था। अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या दिखा, TLC से रिलेटेड कुछ दिखा या नहीं, और इस PPV के लिए कोई मैच सामने आया या नहीं, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रूसेव लाना के डाइवोस सेगमेंट से हुई। रिंग में WWE हॉल ऑफ फेमर जेरी द किंग लॉलर इसकी शुरुआत करी और कहा कि रॉकी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक कपल का डाइवोस होने वाला है। इसके तुरंत बाद लाना अपने लॉयर के साथ रिंग में एंटर होती हैं, जिसके बाद रूसेव भी रिंग में आते हैं। लाना ने कहा कि मैंने ही सिर्फ तुमसे प्यार किया और हमारी शादी सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, पूरी WWE यूनिवर्स की वजह से खराब हुई है। लाना ने रूसेव को सेल्फिश कहते हुए कहा कि मेरा जितना प्यार कोई भी तुमसे नहीं कर पाएगा। रूसेव ने आंसर देते हुए कहा कि जब मुझे तुम ही पसंद नहीं, तो मैं तुम्हारे जैसा कोई और तो पसंद कैसे कर सकता हूँ। रूसेव डाइवोर्स पेपर पर साइन करने लगे, बट लाना ने उन्हें रोका और पहले खुद साइन करने के लिए कहा। इसके बाद रूसेव ने साइन करने से पहले बॉबी लैशले के साथ मैच की डिमांड करी और तभी बॉबी लैशले की एंट्री हो जाती है। लैशले ने आकर कहा कि तुम्हारा अगर डाइवोर्स खत्म हो गया हो तो मैं लाना को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। रूसेव साइन कर देते हैं और तभी लैशले ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रूसेव ने पलटवार करते हुए पहले लैशले को किक मारी और टेबल पर बेली टू बेली सुप्लेक्स दे दी। इसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैट हार्डी के बीच मैच दिखा। ड्रू मैकइंटायर ने आते ही मैट हार्डी की फैमिली के बारे में काफी कुछ बोलना शुरू करा। तभी मैट हार्डी ने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर दिया और रिंग के बाहर करा। मैच शुरू हुआ, ड्रू मैकइंटायर ने जबरदस्त तरीके से मैट हार्डी पर पलटवार करा और बुरी तरह से उन्हें मारा, और एंड में मूव देकर ड्रू मैकइंटायर ने मैच जीत लिया। अब ऐसे भी दिन आ गए हैं कि मैट हार्डी को मैचेस में जॉबर की तरह दिखाया जा रहा है। इसके बाद हमें विकिंग राइडर्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच दिखा। विकिंग राइडर्स ने रिंग में आके रॉ की सभी टीम को ओपन चैलेंज करा, जिसका जवाब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने दिया। मैच शुरू हुआ और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने शुरू में ही विकिंग राइडर्स पर जबरदस्त मूव लगाना शुरू कर दिए और उनको कोई मौका नहीं दिया। रिंग के बाहर रिंग के अंदर बेहतरीन फ्लिप्स यहां लगाते हुए वो नजर आए। इसके बाद विकिंग राइडर्स ने वापसी करते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर प्रेशर बनाया और एंड में मूव देके मैच जीत लिया और टाइटल रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखा। उन्होंने रिंग में आके रिंग को खाली कराया और दोनों टैग टीम को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ भी कहने से पहले ऑथर ऑफ पेन को रिंग में बुलाया, बट एंटर केविन ओवंस हुए। केविन ओवंस अपने साथ एक स्टील पाइप लेके आए थे। केविन ओवंस ने आते ही रॉलिंस के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू करा। वहीं स्क्रीन पर दिखाया गया कि ऑथर ऑफ पेन ने एरिना में एंट्री करी और वो रिंग की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। केविन ओवंस को रॉलिंस ने अलर्ट किया और एक बार फिर सेथ रॉलिंस केविन ओवंस को रिंग में अकेले छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। केविन ओवंस रिंग में ऑथर ऑफ पेन का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी सैमी ज़ेन रिंग में मोजो रॉली के साथ एंटर होते हैं। मोजो रॉली को बैक स्टेज केविन ओवंस ने थप्पड़ जड़ा था। सैमी ज़ेन आके केविन ओवंस को उनकी गलती बताते हैं और मोजो रॉली से माफी मांगने के लिए कहते हैं। केविन ओवंस को गुस्सा आता है और वो मोजो रॉली को स्टनर दे देते हैं और इसके तुरंत बाद सैमी ज़ेन रिंग से बाहर चले जाते हैं। केविन ओवंस अपना पूरा गुस्सा इसके बाद मोजो रॉली पर निकालते हैं और उन्हें स्टील पाइप से भी मारते हैं, बट सैमी ज़ेन यहाँ कर क्या रहे थे वो अभी समझ नहीं आया। इसके बाद हमें अकीरा टोजावा वर्सेज अलिस्टर ब्लैक के बीच मैच दिखा। शुरू में ही ब्लैक ने अकीरा पर जबरदस्त तरीके से अटैक करा। वहीं अकीरा ने भी पलटवार करते हुए अपने कुछ मूव्स अलिस्टर ब्लैक पर लगाए, बट ब्लैक ने अकीरा को मूव देके ये मैच जीत लिया। नेक्स्ट मैच हमें आंद्रादे वर्सेज हम्बर्टो कार्लियो के बीच मैच दिखा। बैक स्टेज इन दोनों के बीच झड़प दिखी थी, जिस वजह से इनके बीच ये मैच बुक करा गया। आंद्रादे ने शुरू से ही कार्लियो पर अपना जबरदस्त गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वहीं कार्लियो अपने जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव आंद्रादे पर लगाते हुए नजर आए। जेलिना वेगा का भी इंटरफेयर इस मैच में देखने को मिला। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा। मैच के दौरान आंद्रादे ने गलती से जेलिना वेगा को गिराया, जिसका फायदा कार्लियो ने उठाया और पिन करके मैच जीत लिया। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां केविन ओवंस हर जगह ऑथर ऑफ पेन को ढूंढते हुए नजर आ रहे थे। तभी केविन ओवंस ने ऑथर ऑफ पेन की गाड़ी को फोड़ना शुरू कर दिया और उसको काफी तोड़ा। ऑथर ऑफ पेन ने पीछे से आकर केविन ओवंस पर अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू करा, बट शॉक यहां सेथ रॉलिंस ने दिया, जो ऑथर ऑफ पेन की गाड़ी में बैठे हुए थे। केविन ओवंस को उन्होंने कर्ब स्टॉम्प भी दिया और ये भी क्लियर हो गया कि ऑथर ऑफ पेन अब सेथ रॉलिंस के साथ हैं, जिसके बारे में केविन ओवंस काफी हफ्तों से कहते चले आ रहे थे। इसके बाद फिर हमें सेथ रॉलिंस फिर से रैंप पर दिखाई दिए। क्राउड उन्हें काफी बू कर रहा था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आप सब मुझे पसंद करते थे, लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। रॉलिंस ने कहा कि उनका ऑथर ऑफ पेन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, बट किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सबने मुझे झूठा ही कहा। इसकी वजह से मैंने अब ऑथर ऑफ पेन के साथ टीम बनाने का डिसाइड करा है। इसके बाद ऑथर ऑफ पेन भी स्टेज पर आ जाते हैं और तीनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें बैकी लिंच वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। बैकी लिंच
ने शुरू में ही दोनों पर अच्छे मूव लगाए, बट कुछ देर बाद काबुकी वॉरियर्स ने बैकी लिंच पर हावी हो गई। रिंग के बाहर भी इनके बीच घमासान देखने को मिला। बैकी लिंच एक टाइम नंबर गेम की वजह से बेबस नजर आई। एंड में बैकी लिंच ने कायरी को आर्मबार लगाया और आस्का ने आके बैकी लिंच पर चेयर से अटैक कर दिया और टेबल पर भी उन्हें दे मारा। जीत यहां डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बैकी लिंच की हुई। इसके बाद मेन इवेंट में हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच यूएस टाइटल को लेके मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ, दोनों साइड से जबरदस्त गेम देखने को मिला। मैच के दौरान ओसी के दोनों मेंबर भी रिंग साइड आ जाते हैं, जिससे रे मिस्टीरियो का ध्यान हटा। मिस्टीरियो की साइड से कुछ मूव तो काफी बेहतरीन देखने को मिले। एजे स्टाइल्स पर 619 लगने से ओसी ने उन्हें बचाया और यहीं एजे स्टाइल ने वापसी करते हुए रे मिस्टीरियो को पर पलटवार करा। तभी रैंडी ऑर्टन रिंग में आए, एजे स्टाइल का ध्यान भटका, रे मिस्टीरियो ने इसका फायदा उठाया और पिन करके मैच जीत लिया और टाइटल को रिटेन करा। अब वैसे तो आज का रॉ का एपिसोड टीएलसी पीपीवी से पहले आखिरी एपिसोड था, बट देखकर इस एपिसोड को ऐसा लगा नहीं, क्योंकि यहाँ काफी कुछ टीएलसी से कनेक्ट नहीं दिखाया गया। वहीं सेथ रॉलिंस अब ऑथर ऑफ पेन के साथ हैं, जिससे वो आने वाले टाइम में न्यू शील्ड का नाम भी दे सकते हैं। केविन ओवंस हाल फिलहाल अकेले हैं, देखना ये होगा कि उनका साथ देने कौन आता है और टीएलसी में रॉ से और कौन कौन से मैच सामने आते हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।